हमारी चैनल सॉल्यूशन बाय सार्थक को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में बेल आइकन पे भी टैप करें ताकि हमारे मोबाइल रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, मैं हूं सार्थक एंड आप देख रहे हैं सॉल्यूशन बाय सार्थक। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही किसी भी चीज के लिए बढ़िया सा प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। दोस्तों, लोगो बनाने के लिए क्या जरूरी है? पीसी, लैपटॉप? दोस्तों, आज के जमाने में मोबाइल जो कर सकता है ना, वो पीसी या लैपटॉप में हमको करने के लिए बहुत घंटे लग सकते हैं। और दूसरी सच्चाई ये भी है कि लैपटॉप और पीसी में हम जो काम कर सकते हैं उसका 1% भी मोबाइल नहीं कर सकता। तो ये जो डिवाइस है, पीसी और मोबाइल, ये दोनों अपनी जगह पे बेस्ट है। तो ऐसे में जिन लोगों काफी लोगों के पास पीसी या लैपटॉप नहीं होता और मोबाइल से ही सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी सर्च करने की कोशिश भी नहीं करते कि कैसे होता है। तो आजकल मोबाइल में भी बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती है जहाँ पे आप मोबाइल से वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, लोगो बना सकते हो, या फिर जो एनिमेशन है वो भी आजकल मोबाइल में कुछ ऐप्स है उसकी मदद से बना सकते हैं। तो ये सभी चीज की मैं आपको वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस उसी टाइम पे मिल जाए। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने थोड़ा टारगेट रखा है कि इस वीडियो पे अगर 100 व्यूज आए, 100 व्यूज आएंगे तो ही मैं आगे ऐसी एडिटिंग रिलेटेड या वो ऐसी वीडियो बनाऊंगा। अगर व्यूज नहीं आएगी तो मैं जो रेगुलर वीडियोस डालता हूँ वो तो डालता ही रहूंगा। तो 100 व्यूज का टारगेट रखते हैं अभी के लिए, फिर आगे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। तो 100 व्यूज आ जाएगी उसके बाद मैं वो वीडियो डालूंगा। तो आज मैं लोगों के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप अपने YouTube चैनल या फिर फोटो एडिटिंग के लिए साइड में जो फोटो लोगो लगाना चाहते हैं, या फिर कोई ब्यूटी रिलेटेड या एनिमल या खाने पीने की चीज के रिलेटेड भी आप लोगो बनाना चाहते हैं, तो वो भी काफी अच्छी तरीके से है। दो ऐप्स मैंने जो प्ले स्टोर की सबसे बेस्ट है लोगो बनाने के लिए उसको मैंने चूज किया है। तो उसमें जो पहली है वो है लोगो मेकर, आप सर्च करेंगे तो पहली आ जाएगी। तो वो ऐप है, उसमें वो ऐप मुझे काफी पसंद भी आई और यूज करने में भी काफी इजी है अगर आप पहली बार कुछ जो ऐसा बनाते हैं। और दूसरी जो ऐप है वो है लोगो पिट प्लस। तो ये ऐप बेसिकली हार्ड भी है लेकिन फैसिलिटी इसमें ज्यादा मिलती है और आप इसमें ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज आपको ऑफलाइन नहीं मिलती है, सभी आपको नेट ऑन रख के ये ऐप को यूज करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे ये ऐप पसंद नहीं आई और यूज करने में भी हार्ड है। लेकिन जो लोगो मेकर है वो काफी इजी और कुछ उसमें जो आइकन पैक्स है वो भी ऑफलाइन मिल जाते हैं। तो ये दोनों ऐप्स को आज मैं अभी मोबाइल पे यूज करके दिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी करना मत भूलिएगा क्योंकि 100 व्यूज का टारगेट है। तो ये आपको अगली वीडियो मिलेगी। तो चलिए अभी मोबाइल में जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बढ़िया लोगो बना सकते हो। और मैं आपको एक तीसरी ऐप भी बोनस दे दूंगा जिससे आप, अगर ये दो ऐप आपको पसंद नहीं आए तो आप वो ऐप से भी ट्राई कर सकते हैं बनाने का। तो चलिए अभी मोबाइल में जाकर देखते हैं। दोस्तों, अभी हम प्ले स्टोर पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसे उस ऐप को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि लोगो मेकर, उसके बाद जो यहाँ पे पहली है वो नहीं है, वो ऐड है। यहाँ पे जो दूसरी, तीसरी और चौथी ऐप है वो काफ़ी बढ़िया है। तो मैं वीडियो में ये पहली और दूसरी ऐप के बारे में आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये रही वो लोगो मेकर ऐप, और ये ऊपर वाली जो मैंने बताया लोगो पिट प्लस, वो ये वाली लोगो मेकर प्लस नाम है इसका। जो तीसरी जो बोनस ऐप है वो ये वाली है, लोगो मेकर एंड लोगो क्रिएटर। ये भी फेमस है लेकिन इसमें, ये मैंने ट्राई नहीं की है, लेकिन इसमें कुछ होगा जिसकी वजह से इसको 3.7 रेटिंग मिली है, बाकी दो ऐप से कम रेटिंग है। तो अभी चलो मैं आपको पहले लोगो ये वाली ऐप आपको सिखा के बताता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो चलिए, मैंने ये रही वो ऐप यहाँ से, तो ये ओपन करते हैं इसको। इसको आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आपका नेट ऑफ है फिर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे ऑफलाइन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको पहले क्रिएट बटन है, या फिर कंटिन्यू है, फिर गैलरी है, और फिर मोर ऐप्स है। तो आपको पहली बार तो क्रिएट ही करना है। अगर आपको कोई गैलरी में आपका कोई बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर आप लोगो बनाना चाहते हैं तो वो आप गैलरी से भी चूज़ कर सकते हैं कोई भी फ़ोटो। तो अभी हम क्रिएट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो लोगो के जो पैक है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे पहला कुछ है मंडाला ऐसा कुछ है, लेकिन वो लॉक है। दूसरा है क्रिसमस, फिर कलरफुल, आर्ट, फ्लावर, वेजिटेबल, फूड, फैशन, एनिमल, वुमेन, फूड एंड कुकिंग, वैलेंटाइन, आइकॉनिक, फेरी टेल्स, इको, ह्यूमन, नेचर, ऐसे बहुत सारे आपको इतने सारे लोगो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है, देखिए, तो वो जो है वो पूरा फ्री है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लॉक बताया हुआ है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे से ही वो अनलॉक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप मेरी चैनल के साथ है तो मैंने आपको बताया ही हुआ है पहले भी कि आप अपने फ़ोन को रूट करके ऐसी कोई भी ऐप्स में से आप जो ऐसी चीज़ होती है उसको आप फ्री में पा सकते हैं हैक करके लकी पैचर से।
तो वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए मेरे चैनल पे जाके कि हाउ टू हैक गेम्स एंड एप्स, वहाँ पे मैंने सिखाया है कि कैसे इन सारी चीज़ को फ्री में पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फ्री चीज़ है वो भी काफ़ी बढ़िया ही है, तो यहाँ पे आपको जो भी चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे कलरफुल में देखिए तो ये रहे, तो ये सारे के सारे आपको ऑफलाइन भी मिल जाएंगे, ये ऑफलाइन ही है, लोगो आपको पहले से मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए कलरफुल 1, 2, 3, 4 बहुत सारे है, आपको जिससे रिलेटेड लोगो बनाना है वो आप पैक कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको सिखाता ही हूँ कि कैसे करना है, तो हम यहाँ से कोई भी लोगो चूज़ कर देते हैं। तो ये अभी हम ये बल्ब वाला करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको ऊपर से टिक करना है, फिर ये लोगो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगो ही है, तो हम यहाँ से इसका कलर सेट कर सकते हैं। फिर अगर बैकग्राउंड में हमें क्लियर वाइट रखना है तो वाइट रख सकते हैं, या फिर गैलरी में से भी हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो फ़ोटो पीछे लगाना हो। फिर नो बैकग्राउंड मतलब कि जो PNG फॉर्मेट है वो आ जाता है, और आप लोगो पे जो टैप करके उसको बड़ा छोटा फिर ऐसे उल्टा सीधा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारी फंक्शनैलिटी मिल जाती है, और यहाँ पे आप बैकग्राउंड का कलर भी यहाँ से सर्कल में से सेट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ वाइट बैकग्राउंड ही रखते हैं, और ये इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे फिर आप शेप अगर कोई ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये सभी आपको ऑफलाइन मिल जाता है, तो जो दूसरी ऐप है वहाँ पे आपको नहीं मिलता, इसलिए मुझे ये काफ़ी पसंद है। और फिर आप यहाँ से कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो ये पूरे एक भर के दिया हुआ है, इस ऐप में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी तरह का लोगो बना सकते हैं। तो अभी हम ये शेप वेप कुछ ऐड नहीं करने वाले, ये जिसको करना है वो कर सकता है। फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे देखिए ऐड शेप वाला तो देख लिया हमने। फिर अब जो मेन होता है वो है ऐड टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट डालना है तो यहाँ पे जो आएगा तो फिर आपको उस स्क्रीन पे डबल टैप करना है, तो आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो मैं अभी मेरी चैनल का ही नाम लिखता हूँ कि सॉल्यूशन बाय सार्थक, तो ये लिख लिया। फिर अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पे आ गया, और हम इसे नीचे से जो रोटेट है वो कर सकते हैं, फिर साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं, फिर ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ये जो फॉन्ट है आपको जो भी बहुत सारे नीचे देखिए आप बहुत सारे मिल जाते हैं, आपको जो भी रखना है वो तकरीबन 50 से भी ज़्यादा होंगे, 50 जितने होंगे। तो ये तकरीबन 20 से 22 MB की ऐप है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें दिया हुआ है। फिर आप जो फॉन्ट का जो भी उसका रेडियस या फिर शेडो कुछ भी सेट करना है वो कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आप यहाँ से कलर भी आपको जो रखना है वो रख सकते हैं, अभी जो भी ये देखिए जैसे कि मैं ऑरेंज करता हूँ, डन, तो देखिए ऑरेंज आ गया। तो ऐसे काफ़ी बढ़िया लगता है लोगो आपका बेसिक, और इवन जो आपका प्रोफेशनल भी आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपका हो जाए तो उसके बाद आपको बैकग्राउंड वो सभी सेट करके, जैसे कि मैंने कर दिया पिछले वो पीछे जो वाइट बैकग्राउंड रखा है तो वो सेट करके आपको यहाँ से सेव करना है ऊपर, तो आप एक्सपोर्ट गैलरी ये कर दीजिए, एक्सपोर्ट टू गैलरी, तो बस 2-3 सेकंड में ही आपका सेव हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पर बैकग्राउंड ये सेव हो गया बड़ी आसानी से, आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं कहीं भी, तो बस ऐसे ही सेव करना है। तो काफ़ी ये ऐप बेसिकली यूज़ करने में भी इजी है, मैंने जैसे कि बताया। तो अभी हम दूसरी ऐप को यूज़ करके आपको दिखाते हैं, वो है ये लोगो पिट। तो ये जो आप ओपन करेंगे फिर तो आपको यूज़ करने का मन ही नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी हार्ड है, तो क्रिएट न्यू। तो और इस ऐप की एक खास बात ये है कि यहाँ पे आप लोगो बना सकते हैं, इसके अलावा आप फेसबुक कवर, ट्विटर कवर, देखिए यूट्यूब कवर, थंबनेल, वो सभी के लिए आप जो भी मतलब उसकी फ़ोटो की जितनी साइज़ होती है हाइट और वो उसी हिसाब से ही आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए यहाँ पे अगर फेसबुक कवर देखते हैं तो वो इतने से में ही हम बना सकते हैं, तो वो परफेक्ट फिट हो जाता है वहाँ पे, तो ये एक इसकी अच्छी बात है। तो अभी तो हम लोगो ही करते हैं लोगो, और फिर यहाँ पे देखिए नीचे जितने भी ऑप्शन है वहाँ पे हमें कुछ भी ऑफलाइन नहीं मिलता है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट हो या फिर कुछ भी हो, देखिए। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू आइकन करेंगे, तो अगर आपका नेट ऑन कर दीजिए उसके बाद यहाँ पे सब लोड होना स्टार्ट होगा। देखिए तो यहाँ पे जो लोगो है वो काफ़ी बढ़िया मिल तो जाते हैं आपको, लेकिन अगर आप पहली बार ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन बना भी इससे अच्छा सकते हैं। अगर आपका कोई फोटोग्राफी का कुछ भी आप लोगो बनाना चाहते हैं तो ये यहाँ पे एक कैमरे का बटन है, उस लोगो को हमने उठा लिया और यहाँ पे देखिए रख दिया। तो
रखना, और फिर हम यहाँ नीचे से उसका कलर सेट कर सकते हैं। देखिए जो भी आपको रखना है उस पर टैप कीजिए, मैं अभी ग्रीन रख देता हूँ एग्जांपल के। यहाँ पे फिर आप जो लोगो का टेक्सचर है वो भी सेट कर सकते हैं यहाँ नीचे से, देखिए जो भी रखना है आपको। ये देखिए तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए इसका जो यूआई है, यूज़र इंटरफेस, वो बहुत हार्ड लगता है, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन है, तो ऐसे में पहली बार मुझे भी हार्ड ही लगता है, इसलिए मैं वो ही ऐप रेकमेंड करता हूँ। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि और भी लोग हम ऐड कर सकते हैं, तो अभी ये यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ बाजू में से हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि SP फोटोग्राफी, क्योंकि मेरा नाम जो है सार्थक पंचल है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SP फोटोग्राफी। अब देखिए बहुत सारे यहाँ पे फॉन्ट आ गए अलग अलग, तो ये रखते हैं कैसा लगता है। तो आजकल जो आपको पता ही होगा कि हर एक लोग अपने फोन से ही जो भी मतलब कि फोटोग्राफी चालू कर देता है, तो अब ऐसा बढ़िया सा अपना नाम का कोई भी लोगो बना सकते हैं इस ऐप से। बस इतने जो चार मेन ऑप्शन है आपको यहाँ से लोगो चूज करने का होता है, फिर उसके बाद में टेक्स्ट, फिर आपको बैकग्राउंड लगाना होता है, और यहाँ से कलर और टेक्स्चर है ऐड करना होता है। तो बस ऐसे ही आप जो लोगो बना दे उसके बाद यहाँ जो फिफ्थ ऑप्शन है यहाँ से आप सेव कर सकते हैं बस। तो आपको अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो आप डाउनलोड PNG कर दीजिए, या फिर अगर आपको बैकग्राउंड के साथ चाहिए तो डाउनलोड JPEG कर दीजिए। तो बस यही था ऐप में, सिंपल सा मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सी ऐप यूज़ करने में ईजी है। तो बस यही था, आप उम्मीद है आपको सीख गए होगे लोगो बनाना, और आपको अगर और भी कुछ सीखना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, जो कि वीडियो के सबसे नीचे होता है कमेंट्स का, तो वहाँ पे आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। तो बस दोस्तों वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो यूजफुल हुई होगी और आप लोगो बनाना सीख गए होगे अपने मोबाइल से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, साथ ही साथ मेरी तो वीडियो भी चेक कर सकते हो, और मेरा जो टारगेट है वो आप बिल्कुल पूरा कीजिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि 100 व्यूज हो जाए और मैं दूसरी ऐसी वीडियो डाल सकूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।